गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम रिवीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम समरूपता का रिवीजन करेंगे और ये मैं थोड़ा आज लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में हर बार पहला चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। पहले प्रश्न से ही वह शुरू हो जाता है और इस बार तो ऐसा है कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा या चौथा प्रश्न में पहले पार्ट से प्रश्न आना ही आना है और बहुत कुछ आपके सिलेबस से कट हो चुका है। जितना भी है उसी सिलेबस में से सोचिए, पहला प्रश्न भी, दूसरा और तीसरा भी आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो हम पहले फटाफट थोड़े से जो हमारे तीन प्रमेय हैं, इन तीन प्रमेयों के फार्मूले पे चले जाते हैं और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने बोर्ड से, मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से साल में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि कितने सरल से सवाल हैं और ये पूछे जाते हैं। आधा आधा नंबर, एक एक नंबर भी अगर आप हर प्रश्न से इकट्ठा करते हो तो आपके लिए पासिंग कितना आसान है, ये तो पास होने वालों के लिए। और स्कोरिंग की तो बात ही मत पूछिए, हर बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत करता है तो अच्छा स्कोर कर सकता है। इसी सद्भावना और शुभकामना के साथ हम पहले पार्ट के सारे महत्व को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो हम थोड़ा सा रिवीजन करके इसके बाद सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं पहला प्रश्न समरूपता। सीधा नहीं दिख रहा है ना? उल्टा दिख रहा है मैडम। हाँ, कभी कभी क्यों प्रॉब्लम हो जाता है। अभी सीधा दिख रहा है। हाँ, ओके सर। हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम समरूपता में सबसे पहले खाली दो त्रिभुज की तुलना देखते हैं, दो त्रिभुज, कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है कि ये त्रिभुज कैसे हैं, सिर्फ दो त्रिभुज है, किसी भी प्रकार के होंगे, समकोण हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकते हैं, या समबाहु, विषम बाहु या समद्विबाहु बाहु, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तब उनके उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप देख रहे हैं, ये दो त्रिभुज है, ये किसी भी प्रकार का है, देखिए यहाँ अधिक कोण दिख रहा है, ये न्यून कोण त्रिभुज दिख रहा है, उनके आधार और लंब यानी उनकी ऊंचाई अगर है तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अगर सिंपल सा हम फार्मूला जो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आधार 1/2 1/2 कट जाता है तो क्या बचता है, आधार गुणे ऊंचाई, उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इन शॉर्ट कैसे याद रखेंगे उसको, कि उनके आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई, संगत, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पहले लिया है उनके संगत आधार और ऊंचाई का गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी आकृति में आप देख सकते हैं कि अगर त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन अभी त्रिभुज देखना ये है कि
कि वो कैसे हैं, उनका आधार जो है अलग अलग है लेकिन दो समांतर रेखाओं के बीच में वो है, तो उनकी ऊंचाई समान है। हमें पहचानने आना होना चाहिए, हमें पहचानना अच्छे से आना चाहिए कि उनकी ऊंचाई कहाँ समान है। यहाँ ऊंचाई उनकी समान है और आधार अलग अलग है। अगर ऊंचाई समान है तो उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। और अगर उनके आधार समान है, अब इस आकृति में देखिए आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इनके ये आधार समान है और ऊंचाई अलग अलग है। ए बी सी इस त्रिभुज में आप देखोगे बी सी ऊंचाई आधार है और ए डी उनकी ऊंचाई है, और त्रिभुज बी ई सी में ऊंचाई हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये ऊंचाई है उनकी और इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो आधार समान है तो उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ये तो ये ऐसे त्रिभुज है। इसके बाद हम देखते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात के मूलभूत प्रमेय में कथन होगा। ये प्रमेय भी सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि इसमें दो ही प्रमेय है और इस प्रमेय के आधार पर आपको सबसे पहले तो कथन समझ लेना है और उसका संक्षिप्त नाम, उसका संक्षिप्त नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस डायग्राम को देखना और कौन से त्रिभुज, त्रिभुज के कौन सी दो भुजा को समानुपात में विभाजित करती है वो आपको ध्यान में देना होगा। अब यहां ध्यान से देखिए बी सी और BC की समांतर PQ है और इस तरह अगर हम किसी अलग अलग त्रिभुज, कोई भी अलग त्रिभुज हम ले लेते हैं और उनके, अब हमारा त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो हमें क्या ध्यान देना है कौन सी भुजा है और वह किस तरह से अन्य भुजा के समांतर है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये भुजा समांतर है त्रिभुज की और ये रेखा है इस भुजा के समांतर खींची गई। तो अब ये अगर हम इस रास्ते को इस तरह से देख लें तो इनके सामने कौन सा शीर्ष बिंदु है, अगर हम PQR, तो हमें ये ध्यान देना आना, ध्यान देंगे कि भुजा के समांतर खींची गई यह रेखा एक तरह से ये समांतर रेखा एक रास्ता बन जाता है, इसके सम्मुख ये P है, तो हमारा साध्य जो हमारा रिजल्ट होगा हम P से ही शुरू करेंगे और समझो ये A B कर दिया तो यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा साध्य क्या मिलेगा हमें PA/AQ PB/BR। तो ये हमें साध्य लिखना आना चाहिए ताकि इस पर हम मान रखें और अपने सवाल को हल करें। तो ये और कैसे सिद्ध करना है हमने कई बार इस पर डिस्कस कर लिए हैं तो हम सिद्ध करने की तरफ नहीं जाएंगे, आगे आगे बाकी सारे फार्मूला को हम देख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब यहाँ पर भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रमेय है जो कि है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। यह भी प्रमेय उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दो ही तीन प्रमेय इस चैप्टर में है आपको। कथन क्या है, इसका संक्षिप्त नाम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय संक्षिप्त नाम
और कथन दोनों भी आप याद रखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर समरूप दिया गया है तब हम उनके संगत भुजाओं के किसी एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो अगर एक भुजा दिया है तो उन भुजा के वर्ग के बराबर। ये प्रमेय भी हमें रिजल्ट के रूप में अभी हमें देखना है, प्रमेय कैसे सिद्ध करना है हम पहले देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर कोई भी, यहाँ पे तीनों भुजाओं का वर्ग दिया है। ध्यान ये रहे कि अगर शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सारी बातें, और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को लेकर। एक नंबर के सवाल मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, इसके पहले भी हमने किया है लेकिन आज मैं कुछ बोर्ड के पेपर मैंने शॉर्ट किए हैं। आपको ये बताते हैं कि एक अंक के सवाल कैसे हर साल पूछे जाते हैं। पहला देखिए, पहला सवाल है एक अंक के लिए है, और मैं ये भी बताऊंगी। देखिए आकृति, देखिए आकृति आपको दी होगी और जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर आपको यह सवाल हल करना है। जब आप सवाल हल करोगे तो आपको ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दो स्टेप में इसका आंसर लिखना है। क्या है आकृति में, यदि आर पी अनुपाते पी के, आर पी अनुपाते पी के 3:2 है तो एरिया ऑफ त्रिभुज टी आर पी, टी आर पी अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज टी आर पी अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज टी पी के, टी पी के ज्ञात कीजिए। अब अगर इस त्रिभुज को आप अच्छे से देखोगे आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर दो त्रिभुज है और इन दो त्रिभुजों में हमें क्या, दो अलग अलग त्रिभुज है। अब ये पहचानना है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज है। अगर हम ध्यान देंगे तो ये दोनों त्रिभुज का आधार, अब इसका आधार ये है पहले त्रिभुज का और ये दूसरे त्रिभुज का आधार है, ये ध्यान से देखेंगे। यानी कि दो त्रिभुज है जिनका आधार अलग अलग है लेकिन ऊंचाई, अगर ध्यान से देखोगे तो ऊंचाई एक ही है, खाली आपको अभी भी पहचानना है। तो हम अगर हमें ये पहचान में आ गया कि ये कैसे हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, तब तो हमारा हल एकदम आसान हो जाएगा कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें दो स्टेप ही आपको लिखने हैं, एक स्टेप पे आधा नंबर मिलेगा और दूसरे स्टेप पे आपको आधा नंबर, और इस तरह से आपको एक नंबर मिलता है। दूसरा सवाल देखेंगे, और यह सवाल जुलाई 16 और मार्च 14, ये बहुत पहले से ये चैप्टर है तो इस चैप्टर से अक्सर पहला सवाल देखने आता ही आता है, कभी एक आधा हो सकता है पाइथागोरस का हो लेकिन पहला सवाल यही होता है। तो मार्च जुलाई और मार्च 14 में यही सवाल सेम पूछा गया है। दूसरा सवाल आकृति में रेख बीई लंब, ये आकृति आप देखोगे अक्सर बोर्ड का पेपर अगर आप देखोगे तो इस टाइप का सवाल आता ही है। तो इसमें क्या है कि बीई लंब है ए बी और रेख बी ये लंब है ए डी, ए बी लंब है ए बी पर और ए डी लंब है बी ए पर, यानी एक ही भुजा पर दोनों रेखा लंब है। और क्या दिया है, बी का मान 6 दिया है, ए डी का मान 9 दिया है। अब यहाँ पर भी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये दोनों, अब अगर हम एक दूसरे पर लंब है अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आधार एक ही है, ये आधार है और उस पर ये लंब रेखा है, यहाँ पर समान आधार वाले हैं, इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। अब यही सवाल कितने वर्षों में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 17 जुलाई 15, खाली इनकी लंबाई का मान बदल दिया गया है। बीई का मान कभी 8 और एडी का मान 12, बीई का मान कभी 10 और एडी का मान 14, बीई का मान कभी 4 और एडी का मान कभी 9।
अक्टूबर 14, अक्टूबर 13, जुलाई 15, ये वाला डायग्राम बहुत सालों में पूछा है, सेम डायग्राम होगा, सिर्फ मान बदल दिया गया है। और इस तरह से ये सवाल क्या होगा, समान आधार वाले त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ऊंचाई के अनुपात, ये ऊंचाई है, उनके अनुपातों के बराबर होगा। तो ये अब सोचिए कि ये पहले ही जो हमारा प्रमेय है उस प्रमेय के आधार पर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल, आकृति में रेख ए बी लंब है, रेख बी सी और डी सी, यहाँ पर भी आप यही डायग्राम को खाली रोटेट कर दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और पूछ लिया है, ये भी कई सालों में पूछा है, सिर्फ आपको वही पहचानना है कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समान आधार वाले हैं या समान ऊंचाई वाले हैं। अब इन्हें ध्यान से देखिए, ये एक ही आधार है, उस आधार पर अलग अलग ऊंचाई वाले दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, इनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ये भी सवाल अप्रैल और मार्च 15, जुलाई 16, मान अलग अलग दे दिया, कभी ए बी का मान 4 दे दिया है, डीसी का मान बदल सकता है, अलग अलग नाम, लेकिन फार्मूला तो वही होगा कि ये समान आधार वाले त्रिभुज है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ, आपको नाम वही रखना होगा, सारे त्रिभुज के नाम, एरिया ऑफ क्षेत्रफल जो भी होगा वो बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज उनका जो नाम है बराबर, उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। अब ऊंचाई उनका नाम रखिए, यानी एक इस आधा नंबर इस पे, और आपने मान रख दिया जो भी है 2/3, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये, तो आधा मार्क्स ये। आप इस समझिए कि आपको दो लाइन लिखना है सिर्फ, और आधा आधा करके एक नंबर प्राप्त करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आकृति ना दिया हो तो सिर्फ ये दिया है, अब यहाँ पर समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, डी ई एफ समरूप त्रिभुज एम एन के, और डी ई का मान 5 है, एम एन का मान 6 है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन के ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अभी तक यहाँ पर कोई भी समरूपता की बात नहीं कही गई थी, लेकिन यहाँ समरूप है, तो हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो क्या करोगे कि एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन के, तो हम लिखना शुरू करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ जैसे हम हल लिखते हैं बराबर, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताती, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें हल करने हैं, एम एन के बराबर जो भुजा दिया है, डी ई एफ में डी ई दिया है और एम एन के में एम एन दिया है, तो डी ई का वर्ग बटे एम एन का वर्ग, कौन सा प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के समरूप, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय से ये, तो इतना लिखे तो आधा नंबर मिलेगा, और इसके बाद डी ई और एम एन का मान, यानी 5 का वर्ग बटे 6 का वर्ग लिख कर फाइनल उत्तर लिया 25/36, तो यहाँ पर आधा नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से हर सवाल में आपको अगर आधा आधा नंबर भी आप जोड़ लेते हो, एक नंबर के सवाल में तो आपको आएगा ही, सब आ जाएगा, बाकी भी 2 नंबर 3 नंबर के सवालों में भी आपको सूत्र रख दोगे तो भी आधा नंबर मिलता है। अब ये भी सवाल, डी ई का मान अलग अलग हमेशा रख के इसे पूछा गया है, मार्च 18 में, मार्च 16 में ये सवाल पूछे गए हैं, उसी तरह से यहाँ दिया है समरूप, यहाँ शब्दों में लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही यहाँ पर नाम दिया है, आपको अगर नाम नहीं दिया है तो त्रिभुज पहला त्रिभुज, यानी शॉर्ट में आपको लिख लेगा कि दो त्रिभुज, तो मान लिए कि ये पहला त्रिभुज है, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 और एरिया ऑफ त्रिभुज 2, इनके क्षेत्रफल का उनका अनुपात मान लो उनका S1 का वर्ग, S2 का वर्ग ऐसे दिया है, और यहाँ पे अनुपात ही दे दिया है 3:5, यानी अनुपात में अगर लिखोगे तो S1 का वर्ग अनुपात S2 का
वर्ग यानी एरिया ऑफ त्रिभुज वन अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज टू बराबर यस वन यानी भुजा, यस का मतलब भुजा वन का वर्ग अनुपाते भुजा टू का वर्ग। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, और मान रख देंगे वन क्या है तीन, यानी कि तीन का वर्ग अनुपाते पांच का वर्ग, नौ अनुपाते पच्चीस, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तीनों त्रिभुजों के सभी उसी आधार पर, पहला प्रमेय, अभी तक हम समानुपात के मूलभूत प्रमेय पे, अभी सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कोई भी त्रिभुज उनके संगत आधार, अक्सर उस प्रमेय के आधार पर देख रहे हैं कि कितने बार हर बार सवाल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समानुपात मूलभूत प्रमेय के आधारित भी सवाल है। अब देखिए आकृति बनाई होगी और किसी भी तरह से आकृति होगी, जरूरी नहीं हम जैसे सीधा बनाते हुए, किसी भी शेप में होगा, हमें ध्यान क्या देना होगा कि जो अब ये आकृति है हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये समानुपात मूलभूत प्रमेय से संबंधित है, क्योंकि एक भुजा और क्रम, अगर मैं इसे ध्यान से देख लेंगे कि ये समांतर रेखा के बीच का, यहां से किसी भी शीर्ष बिंदु से हम शुरुआत नहीं करेंगे, जब भी होगा तो ये समांतर रेखा के बीच, समझो ये रास्ता है, इसके सम्मुख एक शीर्ष बिंदु जो होगा वहीं से हम अपने प्रमेय के जो हमारा रिजल्ट है उसका नाम शुरू करेंगे ए। अब इस रास्ते से किसी भी शीर्ष बिंदु से हम शुरुआत नहीं करेंगे, उसके सम्मुख देखिए एक ही शीर्ष बिंदु होगा जहां से ये दोनों रास्ता जाता है बी और सी की तरफ, अन्य दो शीर्ष बिंदुओं की तरफ, वहीं से शुरुआत करेंगे, या यूं कहें कि इस रास्ता को दोनों इस तरफ आकर एक जगह कहां मिलते हैं, वहां एक शीर्ष बिंदु प्राप्त होता है, वहां से हम शुरू करेंगे। तो ए से शुरुआत हमेशा, तो ए क्यू और इन्हीं दोनों रेखाखंडों का अनुपात लिखेंगे पहले, ए क्यू बटे क्यू सी बराबर ए पी बटे पी बी। अब किसी भी एंगल में नाम दिया हो, किसी भी डायरेक्शन में ये हो, हमें समांतर रेखा की तरफ ही ध्यान देना है और उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से अपने रिजल्ट का यानी कि समानुपात मूलभूत प्रमेय के सूत्र का शुरुआत करनी है। अभी आकृति देखिए मार्च 13 में कई बार ये सवाल पूछा गया है, इसी टाइप का होगा, सिर्फ ये मान बदल दिए जाएंगे। रेखा यल समांतर है रेखा बी सी, ए पी बराबर तीन है, पी बी बराबर सिक्स, ए वाई बराबर पांच, वाई सी बराबर यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, और डायग्राम जैसे ही देखेंगे वैसे ही हमारे समझ में ये बात आ जाएगी कि ये समानुपात मूलभूत प्रमेय से संबंधित है। यहाँ पर भी एक ही नंबर का सवाल है तो आपको पहले अनुपात लिखनी है और फिर मान रख देना है और बताना है कि ये किस प्रमेय से हम ले रहे हैं। तो अब जैसे कि हमने देख लिया तो ये है समान दो समानुपात का मूलभूत प्रमेय, तो क्या होगा, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, और यहाँ हम लिख देंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब मान रख दीजिए ए पी कितना है तीन, इसलिए तीन बटे छह बराबर ए क्यू कितना है पांच और क्यू सी कितना है यस। अब अनुपात है, अब बच्चों अनुपात में चार जगह होती है, कोई भी अगर एक जगह हमें प्राप्त करनी हो तो हम कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी हो सकता है यक्स यहाँ पर हो, कभी हो सकता है यक्स यहाँ, कभी यहाँ, या अब यहाँ तो है ही है। तिरछा गुणा करेंगे, पहले यक्स वाला गुणा पहले कर लेंगे, तो तीन यक्स यानी तीन का तिरछा गुणा जब हम करेंगे तो तीन यक्स बराबर छह गुणे पांच, इसको ऐसे ही लिखिए, उसका छह पंचे तीस न लिखिए क्योंकि आगे हमें इसे कट करना है, इसलिए यक्स बराबर छह गुणे पांच बटे तीन। अब काट दीजिए तीन दूनी छ, यानी कि यक्स का मान हो गया पांच दूनी दस, और यही हमारा उत्तर है। अब ये तो है एक ही नंबर का सवाल, कभी कभी ये दो नंबर का भी पूछता है, तो डिपेंड,
कभी एक नंबर कभी दो नंबर, तो यहाँ आपको आधा नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और अगर दो नंबर का है, कभी कभी दो नंबर के लिए भी पूछता है, तो आधा आधा नंबर, तीनों स्टेप, चारों, एक दो तीन चार स्टेप पे तो आपको दो नंबर मिलते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, समानुपात का, जब ऐसी आकृति हो तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब फिर से देखिए सातवां सवाल जो है वो आपको दो त्रिभुज दिए हैं, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान में ये देना है कि किस प्रकार के हैं। एबीसी त्रिभुज में ये दो त्रिभुज है, इसमें बीडीसी एक ही रेखा पर है, बीसी दिया है, बीडी दिया है और डीसी दिया है, यानी कि दो त्रिभुज की बात कर रहा है। और इन्हीं एबीडी, एबीडी और एडीसी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में आधार अलग अलग है परंतु ऊंचाई एक ही है। जब ऊंचाई एक ही है तो उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा। ये अक्टूबर 12, ये और भी एक दो वर्ष में पूछा गया है, पिछले 12 के बाद भी, अक्टूबर यानी कि जो बीच में दूसरी बार परीक्षा होती है तब, खाली नाम बदल दिए हैं और भी सवाल पूछे गए हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये इनमें आधार तो अलग है लेकिन ऊंचाई समान है। अब यहाँ पर समरूप से संबंधित है, मार्च 17 में सामान्य गणित पहले एक पेपर होता था जिसमें ये समरूपता पाठ था, वही है। एक नंबर के लिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, उनकी एक एक की संगत दी है। एक नंबर या एमसीक्यू में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, दो संगत कोणों की जोड़ियां लिखो। अब यहाँ पे दे दिया है एबीसी त्रिभुज, एबीसी समरूप है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो किसी एक एक की संगत के अनुसार, और इनकी एक एक की संगत भी दी है, सिर्फ दो संगत कोणों की जोड़ियां लिखनी है। तो जिस तरह से इनकी एक एक की संगत होती है, उनके कोणों के शीर्ष बिंदु भी उसी संगति में होते हैं, तो दो कोणों की जोड़ियां, तो एकदम सिंपल सा उसका उत्तर होगा, कोण ए सर्वांग सम कोण ए पी, सर्वांग सम कोण पी, कोण दूसरा, दूसरे स्थान पर कोण बी है और यहाँ पर क्यू, कोण बी सर्वांग सम कोण क्यू। बताइए, सिर्फ इतना ही लिखना है और आपको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक एक ही संगत हमें पहचाननी है, एक एक ही संगत के अनुसार ही उनके शीर्ष बिंदु या उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। अब नवा देख लीजिए, डायग्राम आया, आपको तुरंत समझना है कि ये समानुपात मूलभूत का प्रमेय है। अब देखिए समांतर रेखा, आप इन समांतर रेखाओं को इस तरह से देख लीजिए कि ये जो समांतर रेखाओं के पास शीर्ष बिंदु होगा, बिल्कुल वहां से हम शुरुआत नहीं करेंगे, उसके सम्मुख एक शीर्ष बिंदु होगा जहां पर ये दोनों जाकर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी ए। यहाँ से सेम जो हमने अभी छठा सवाल देखा ठीक उसी तरह से है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि ए पी बटे पी वी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, मान रखिए और हल कीजिए। ये भी कई बार पूछा है मार्च 17 में सामान्य गणित, यानी कि जिन्होंने सामान्य गणित लिया था, पहले जो प्रचलित था अब नहीं है, और जुलाई में सेम टाइप, खाली नाम अलग गए हो गया है, थोड़ा सा मान बदल दिया है। और दसवां सवाल देखिए, एबीसी यहाँ पर दिया है कि ये समरूप हैं और पीक्यूआर ए, उनके एक संगत आधार का मान दिया है, तो दूसरे संगत का, जब हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, अगर एक अनुपात दिया है तो दूसरा भी उतना ही होगा। इस तरह से और भी मैंने सवाल निकाले हैं, ये देखिए, आपको सिर्फ ध्यान यही देना है कि पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए समरूप दिया है और उनके संगत कोण एक दिया है, एक एक के संगत का ध्यान दोगे तो कोण का माप अपने आप पता चल जाएगा। एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ये कितना दिया है 50, और ए की संगति किसके साथ है पी की, तो यानी कि जितना कोण, यानी मेजर एंगल ए बराबर मेजर एंगल पी, यानी कोण ए सर्वांग सम कोण पी है, तो ए का कितना दिया है 50, तो कोण पी का माप कितना होगा 50, एक एक के संगत की, ये भी लिखे तो एक नंबर का सवाल है।
तो ये भी मार्च 15 में सामान्य गणित में। फिर से देखिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय, वही जहां समांतर होगा उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से आप शुरुआत करोगे, मान रखोगे, कभी एक नंबर कभी दो नंबर, इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए समरूप और इस टाइप का सवाल एक नंबर या दो नंबर में पूछा जाए, दो नंबर का सवाल है, आपको ये बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर हैं तो क्यों। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय जुलाई 16, मार्च 14, अक्टूबर 13, मार्च 12 ये पूछे गए हैं। अगर ये प्रमेय यहाँ पूछे गए हैं तब सवाल एकाध नंबर का प्रमेय कहाँ, तीन नंबर या चार नंबर में पूछा जाता है, तो प्रमेय अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो उनके साथ भी यानी जो रिजल्ट है उसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। किसी भी एंगल में हो त्रिभुज, हमें ये पहचान जाना है कि वो समानुपात मूलभूत का प्रमेय है, और अगर त्रिभुज दिए हैं तो हमें ये पहचानने आना चाहिए कि वो समान आधार वाले हैं या समान ऊंचाई वाले हैं। इसलिए अलग अलग पेपर, हर साल के पेपरों से मैं इसलिए आप लोग को ये बताने की कोशिश की हूँ कि पहला चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसे आपको हल करना है। इसका मैं PDF बना के आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, इसका अभ्यास खुद करिएगा। और इसके पहले भी मैंने कई तीन अंक के सवाल आप लोगों को दिए थे, पहले आपके पास हैं वो, उसे भी हल करिएगा। और ये देखिए हर साल का सवाल अगर आप देखोगे तो शुरुआत यहीं से होती है, हर साल का पेपर मतलब कुछ ना कुछ पहले सवाल से ही शुरुआत होगी, आपको देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी समरूप त्रिभुजों का दिया गया है, और ये आकृति देखिए यहाँ पर भी दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों को, जो मैंने ही इस प्रश्न में इसका उल्लेख किया है। तो इस तरह से विभिन्न प्रश्न पत्रों में से मैंने आप लोगों के लिए ये प्रश्न ढूंढ के रखे हैं, इसकी महत्व को समझिए और ये तीनों प्रमेय को अच्छी तरह से दोहरा डालिए और पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक प्रमेय से कम 5 या 10 सवाल जरूर अलग अलग मान रखकर हल करिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, मेरे ख्याल से समय हो रहा है। दिनेश सर, लगभग मैंने 14-15 सवाल बहुत अलग अलग वर्षों से निकाले हैं, इसका PDF मैं आप बना के देती हूँ, आप जरूर हल कीजिए। मैंने सिर्फ कैसे याद रखोगे ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर, और याद रखना हर प्रमेय, जितना भी प्रमेय होगा आपके पास उसके अलग अलग नाम से अलग अलग मान रखकर आप सवाल हल करो, बहुत सारे मिलेंगे आपको। जितना ज्यादा प्रयास और प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके दिमाग में वह आकृतियां बैठी रहेंगी और आप फटाफट उसके एकदम अनुरूप देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये सवाल इस प्रमेय से संबंधित है। ये चीज आपके समझ में आ गई तो आपके लिए सवाल हल करना आसान हो जाएगा और अच्छी तरह से पेपर कर पाओगे। दिनेश सर, हाँ मैडम, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हाथ उठाओ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो। बच्चे भी थक गए हैं सर अब। हेलो, नमस्कार टीचर। हाँ नमस्कार। हेलो टीचर, वो है ना समानुपात का मूलभूत प्रमेय दिया हुआ है और विलोम भी दिया हुआ, वो भी आ सकता है? विलोम ज्यादा करके एप्लीकेशन, यानी कि आपको सवाल
ये दिया जाएगा, दो अनुपात आपको अलग अलग निकालने होंगे। अगर दोनों अनुपात समान होता है तो हम ये कहेंगे कि यह अनुपात दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दो चीज होती है, अनुपात अगर आपको चेक करना है तो ये सिद्ध करना होगा कि ये दोनों भुजाएं समांतर है, और अगर समांतर दिया है तो ये भुजाएं समानुपात में है। तो विलोम में क्या करना होता है, ये अनुपात अलग निकालोगे, ये अनुपात अलग निकालोगे। अगर बराबर है तो हम कहेंगे BC समांतर PQ, ये विलोम है, तो वो भी आता है। यस, वो भी आता है। प्रमेय सिद्ध करने के लिए आ सकता है ना, वो आता है ना प्रमेय सिद्ध। अप्रमेय हाँ नहीं आएगा मैडम, नहीं अभी ना बोला गया है, अभी ना बोला है, खाली उस पे आधारित सवाल आएंगे कोई भी पार्ट का, कोई भी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर। अभी आप समानुपात मूलभूत प्रमेय पर हो ना, तो उस पर तो कोई आपको ये मालूम होना चाहिए कितना सिलेबस काट दिया है पहले, वो आप निश्चित कर लीजिए। हर बार बताया गया है पहले और दूसरे पार्ट में प्रमेय है बच्चों, विलोम वाला प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, नहीं आएगा, उस पर आधारित सवाल आएंगे। सवाल करिए, ठीक है। हीना खान, यस सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे को आपसे बात करनी है। हेलो मैडम, अभी निकल जाएंगे तब बात करना। ओके ओके सर, फिर आप तो ये क्वेश्चन पेपर ही मैंने ज्यादा एकदम बहुत सारे साल के निकाले थे एक प्रैक्टिस के लिए। मैडम टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे क्या? हाँ, ठीक है मैडम। ओके सर, ओके मैडम, ओके बाय सर। सर हाँ बोलो। हाँ वो ड्राइंग की स्पर्धा कब होगी? अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ उसकी जानकारी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा। और जो चाहो करने की आशा, संडे को कहो ना प्यार है, जू जो पार्टी पर पाव भाजी। बोलो शाहबाज, शाहबाज बोलो, माइक चालू करो। हेलो हेलो,
हाँ विजय सर बोलिए सर। विजय सर बोलिए।
अच्छा वो लाल बहादुर ये ना गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर अभी दो मिनट है ना।